दी आइकॉन स्टिंग आ तो गए हैं ऑल इलीट रेसलिंग में, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स क्या हैं और क्या उनका फ्यूचर रहेगा AEW में? ये जो TNA और AEW के बीच की पार्टनरशिप टीज करी जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये और साथ के साथ डिस्कस करेंगे आज हुई NXT के एपिसोड में, जो कि वॉर गेम्स का गो होम शो था। तो काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल इसे मिस मत करें, एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैंने सुबह ही डायनामाइट का जो रिव्यू है वो डाल दिया था, अगर आपने उसको चेकआउट नहीं करा आप देखें, वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग शोज जो कि हमने देखा है बहुत देर से, विदाउट अ डाउट। लेकिन गाइज, आज की इस वीडियो की जो अपडेट्स हैं उसमें जाने से पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सैड न्यूज, और वो ये है कि पैट पैटरसन, जो कि WWE के ऑल ऑफ फेमर हैं, एक लेजेंड रह चुके हैं, वो 79 ईयर्स की एज में पास अवे हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली वो कैंसर को भी बैटल कर रहे थे और शायद वही एक कारण बना उनकी डेथ का। लेकिन पैट पैटरसन द फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जिस इंसान ने रॉयल रंबल का जो गिमिक है, जो मैच है, उसको सोचा था, वो आइडिया उनका है ओरिजिनली। और उसके अलावा भी कई सालों से वो अलग अलग सुपरस्टार्स को कोच करते हुए आ रहे हैं, ट्रेन करते हुए आ रहे हैं, और विंस मैकमैन और कई सारे और सुपरस्टार्स के रिएक्शंस और ट्वीट्स आप अभी पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और सब लोगों की जो है वो बहुत सारी पॉजिटिविटी है पैट पैटरसन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसने ना ही सिर्फ रिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कराए, बल्कि बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे आइडियाज़ हैं उनके, जो आज WWE में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। शायद अगर वो नहीं होते तो कभी हमें वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती। सो वेरी वेरी सैड न्यूज़, जब भी कोई ऐसा लेजेंड है वो पास अवे होता है तो रेसलिंग की जो पूरी दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और आज NXT के शो में कमाल ट्रिब्यूट दिया गया पैट पैटरसन को, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अपनी अपडेट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज है स्टिंग। अब हमने सारी चीजें देख ली, डायनामाइट को देख के हम खुश हो गए, हमको पता है अब स्टिंग AEW में। लेकिन लोगों के दिमाग में सबसे जल्दी जो क्वेश्चन आता है वो होता है अब क्या। तो स्टिंग ने गाइज ऑफिशियली AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो AEW अपने सोशल मीडिया पे डालती है कि ये बंदा ऑल इलीट है, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। और कोई नॉर्मल डील नहीं साइन करी, बल्कि मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है स्टिंग ने AEW के साथ, और वो भी एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है कि हर हफ्ते हमें स्टिंग मैचेस में देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता गाइज। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर रोल में हो, और हमको अभी तक इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या स्टिंग किसी मैच में लड़ने वाले हैं, क्या स्टिंग फिट हैं, क्या जो उनकी इंजरी थी वो सही हो चुकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए स्टिंग ने अपनी सेगमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, और हमें डायनामाइट के शो पे वो देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई छोटी डील नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर स्टिंग आ रहे हैं AEW में तो डेफिनेटली उनके लिए एक विजन होगा और एक प्लान होगा AEW के पास, तो वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन बहुत बड़ी ये बात है कि एक मल्टी ईयर फुल टाइम डील स्टिंग ने साइन करी है AEW के साथ, और क्या वो मैनेजर की तरह काम करेंगे या वो रेसलर बनेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इसके अलावा गाइस, डार्बी एलिन ने ऑलरेडी जो है अपने ट्विटर पे स्टिंग के साथ वो फेस टू फेस वाली फोटो शेयर कर दी, और जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक आइकॉनिक फोटो है। और क्या ये एक टीजर था कि या तो स्टिंग डार्बी के मैनेजर बन सकते हैं, क्या स्टिंग वर्सेस डार्बी हो सकता है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहां पे, और मैं तो ये सोच रहा हूं भाई, अगर स्टिंग ने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट करा है साइन, तो एक ना एक मैच तो वो डेफिनेटली AEW में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रह जाएंगे, क्योंकि अगर आया है कोई बंदा स्टिंग जैसा तो हम उनको डेफिनेटली वन मोर मैच में तो देखना ही चाहेंगे। अब अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो ये बहुत ही फनी स्टोरी है और लोग इस पे खूब हंसने वाले हैं, क्योंकि डेव मेल्जर ने रिपोर्ट करी है, और ये ऑफिशियल चीज है, वो अपने मन से नहीं बोल रहे, कि जो लास्ट वीक की NXT AEW की रेटिंग्स थी, जहां पे NXT 2000 व्यूअर्स से जीती थी, वो अपडेट हो गई हैं, और अब जो नई अपडेटेड रेटिंग्स आई हैं उसके अंदर दोनों की व्यूअरशिप टाई हुई है, यानी कि 712,000 व्यूअर्स ही थे दोनों शोज के। अब ऑब्वियसली वो अपनी ट्वीट में खुद लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो वही बात हो गई कि ट्रंप अपना इलेक्शन हार चुका है और उसके बाद आके कह रहा है मेरे वोट बढ़ा दो, और काइंड ऑफ लोग जो हैं इस बात पे यकीन जल्दी से करते नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी चीज़ मेंशन करी है कि ये बहुत कॉमन फैक्टर होता है, और बहुत से शोज़ की रेटिंग्स जो है वो पहले आती हैं उसके बाद अपडेट होती हैं, क्योंकि नंबर्स कभी कभी एक्यूरेट नहीं होते। और हम यहाँ पे सिर्फ 2000 व्यूअर्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, और डेफिनेटली इतनी फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। तो अगर आपको ये न्यूज़ जाननी थी, मैंने बता दी, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने इसको मेंशन करा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स हैं कि आखिर
AEW और TNA के बीच में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि TNA के वाइस प्रेसिडेंट डॉन कैलिस जो हैं वो वहां पर थे आज डायनामाइट के शो में और वो केनी ओमेगा के साथ भाग गए और उन्होंने कहा कि अब ओमेगा ट्यूजडे नाइट को इम्पैक्ट पे आने वाले हैं। तो उस समय तो हमें लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन गाइज ऑफिशियली तो नहीं अभी तक कुछ रिवील करा गया कि किस टाइप की ये पार्टनरशिप है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टनरशिप हुई है इम्पैक्ट और AEW के बीच में। और ये बात क्लियर हो जाती है क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग के ट्विटर ने खुद इस पूरी सेगमेंट को जो है वो कोट करके लिखा था कि अब ट्यूजडेज बेस्ट नाइट्स बनने वाली हैं, वेडनेसडेज नहीं होने वाली। और उसके बाद डॉन कैलिस ने लिखा AEW स्क्रूड AEW, जैसे ब्रेट स्क्रूड ब्रेट था, तो वो काइंड ऑफ मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब वाली चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ इतना बल्कि बहुत सारे सुपरस्टार्स ने अलग अलग चीजें टीज करी हैं। यंग बक्स थे सबसे पहले सुपरस्टार्स जिन्होंने अपनी TNA की पुरानी फोटो पोस्ट करी इंस्टा और ट्विटर के ऊपर। उसके बाद FTR के कैश व्हीलर ने एक ट्वीट लिखी और इसमें सिर्फ लिखा है MCMG यानी कि मोटर सिटी मशीन गन्स, और ये भाई ट्वीट अपने आप में गूजबम्स है, अगर आप लोग समझ गए तो बढ़िया है। और उसके बाद सैमी कैलिहान ने एक ट्वीट करी जहां पे उन्होंने जॉन मॉक्सली को टीज करा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो इन दोनों की टैग टीम हुआ करती थी इंडीज पे, तो वो चीज़ यहाँ पे सैमी कैलिहान की तरफ से हमें देखने को मिली। और यही नहीं, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी कई सारे सुपरस्टार्स अब जो हैं वो TNA और AEW दोनों तरफ से एक दूसरे को या तो कॉल आउट कर रहे हैं या फिर टीजर्स दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनके बीच में होने वाला है। अब अपडेट के रिगार्डिंग गाइज हमको ये नहीं पता कि ये डील क्या है, कब तक चलेगी, कौन से सुपरस्टार्स कहाँ पे जा सकते हैं, क्या मैचेस पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई डील है और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और ऑटोमेटिकली जो है वो ट्यूसडे को आने वाला इम्पैक्ट का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कभी इम्पैक्ट नहीं देखी है पिछले लगभग 3-4 सालों से, और आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं अगर इस शो को कहीं मैं लाइव देख सकता हूँ तो कौन सी वो जगह है, क्योंकि मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। एटलीस्ट एक केनी ओमेगा वाली चीज़ तो मैं नेक्स्ट वीक के शो पर देखना चाहूँगा और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो कार्ल एंडरसन भी उनमें से एक सुपरस्टार थे जिन्होंने टीज़र करा इस बारे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं कौन से मैचेस हैं जो हो सकते हैं TNA वर्सेस AEW में, किस तरीके से डील काम करेगी आपके हिसाब से, ये सुनना मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और फाइनली हम बात कर लेते हैं आज हुए NXT की शो की गाइज, जो कि एक एवरेज शो था। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ आज के शो से, क्योंकि वॉर गेम्स का जो है वो गो होम शो था और मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत ही अच्छा शो होना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। और AEW का शो बहुत अच्छा था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमें शो में देखने को मिलता है सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट एंड लियोन रफ अगेंस्ट लिकार्डो डेल फैंटास्मा का मैच, और यहाँ पे जो है वो बेबी फेस टीम जीत गई। कुछ एक अच्छा मैच था डेफिनेटली, लेकिन एंड में डेमियन प्रीस्ट अपना रेकनिंग फिनिशर लगाते हैं और लियोन रफ उनको टैग इन कर देते हैं और उनसे बिना पूछे और वो अपना फिनिशर लगा के यहाँ पे उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद अनडिस्प्यूटेड एरा की एक बहुत ही कमाल का हमें प्रोमो भी देखने को मिला गाइस, जो कि काइंड ऑफ एक मैन इन ब्लैक वाली फीलिंग इसको दे रखी थी। और इस सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है कि अनडिस्प्यूटेड एरा एक नाइट आउट पे है या अपने आप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एडम कोल बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको कभी तक इतना बड़ा आज तक चैलेंज मिला नहीं है एज अ टीम, और इसके लिए वो बिल्कुल रेडी हैं और वॉर गेम्स उनकी स्पेशलिटी है। और अनडिस्प्यूटेड एरा यहाँ पे दिखाएगी कि हाउ दे आर सुपीरियर, और एक बार फिर से वो अपने आप को NXT की ग्रेटेस्ट फैक्शन की फॉर्म में प्रूव करेंगे। एक कमाल का ये प्रोमो था। और इसके अलावा गाइज ये शो जब स्टार्ट होता है तो सारा NXT का रोस्टर था स्टेज के ऊपर, वो यहाँ पे बेसिकली ट्रिब्यूट दे रहे थे और वो अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, साइलेंस रख रहे थे पैट पैटरसन के लिए। और उसके बाद उनके लिए कई सारी वीडियोस दिखाई गई, एक सेगमेंट थी जहाँ पे पैट पैटरसन की कोई पुरानी वीडियो बिहाइंड द सीन्स वाली प्ले करी गई जहाँ पे वो गाना गा रहे हैं और बाकी NXT का रोस्टर सुन रहा है। तो क्लियरली ये चीज़ हमें बताती है कि कितना इन्फ्लुएंशियल वो इंसान था, जो कि बैक स्टेज मतलब एक बहुत हैप्पी पर्सन था, जिसका माइंड बहुत अच्छा था, जिसको रेसलिंग बिजनेस की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, और वो जिस तरीके से अपना इनपुट देता था वो हमको एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो कैसे इम्पैक्ट करता था, लेकिन डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मैटर करता था। और इस चीज़ के लिए आज NXT ने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया। इसके बाद कैमरन ग्राइम्स का मैच होता है ऑगस्ट ग्रे के साथ, जो कि वो इजीली जीत जाते हैं। और मैच के बाद वो स्ट्रैप निकाल के अटैक करना शुरू करते हैं ऑगस्ट ग्रे को, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस आ जाते हैं और वो डरा देते हैं कैमरन ग्राइम्स को और उनको स्ट्रैप से अटैक करते हैं। तो क्योंकि उनका वॉर गेम्स में एक स्ट्रैप मैच होने वाला है तो उसकी यहाँ पे हमें बिल्ड देखने को मिली। इसके बाद मैच होता है जेक एटलेस का अगेंस्ट टोनी नीस, जो कि एक बहुत अच्छा वन ऑन वन मैच था, मतलब रेसलिंग वाइज हाई फ्लाइंग कैपेबिलिटी वाइज मुझे काफ़ी पसंद
आया और जेक एटलेस यहाँ पे जीतते हैं और कमेंटेटर्स कहते हैं कि उनके करियर की ये सबसे बड़ी विक्ट्री है। और मैच के बाद उनको एक इंटरव्यू ली जाती है और उसमें वो कहते हैं कि अब मैं क्रूजर वेट चैंपियनशिप को चेज करने वाला हूँ और काफ़ी समय से जो है वो मैचेज में जीत नहीं रहा था लेकिन आज मेरी अब शुरुआत हो गई है और अब जो है मैं आगे टाइटल के लिए रीच करना चाहता हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग था। इसके बाद पैट मैकैफी आते हैं रिंग में अपने ग्रुप के साथ और बहुत ही लंबा सा प्रोमो उन्होंने यहाँ पे कट करा। ऑब्वियसली मैं आपको एक एक शब्द का मीनिंग तो नहीं बताने वाला लेकिन बेसिकली उनका मीनिंग था जो प्रोमो का वो ये था कि भाई देखो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने इस ग्रुप को बनाने की, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स हमने एक्वायर किया है अलग अलग जगह से और अब ये जो हम चार बंदे हैं हमें रोकना इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पैसे भी हमने इसके अंदर इन्वेस्ट करे हैं और जो फ्यूचर है वो अनडिस्प्यूटेड एरा नहीं है, वो हम हैं और अनडिस्प्यूटेड एरा का चाहे वॉर गेम्स एक बहुत स्पेशलिटी वाला मैच हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वॉर गेम्स में जीत सिर्फ एक ही टीम की होगी एंड दैट विल बी नन अदर देन आर टीम। तो एक स्ट्रांग प्रोमो था और पीट डन ने भी बीच में एक दो लाइनें बोली थी कि भाई अनडिस्प्यूटेड एरा को हम हरा देंगे जो कि यूजुअली कभी बोलते नहीं है, तो वो इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा गाइज हमें ज़ाया ली और बोआ की जो मिस्ट्री स्टोरी लाइन चल रही है वो कंटिन्यू होती हुई दिखी एक और प्रोमो के अंदर और बेसिकली वो उसी मिस्ट्री विमेन के सामने बैठे हुए हैं और उनको पानी के अंदर बार बार डाल के बाहर निकाला जा रहा है और मिस्ट्री विमेन की जो चेहरा है वो ऐसा लगता है बिल्कुल लाल है, कुछ डरावना सा है। और उसके बाद बेसिकली वो मिस्ट्री वुमेन कहती है यहाँ पे कि ज़ाया और बोआ खड़े हो जाओ और वो आते हैं और फिर उनको पीछे से कोई कैंडो स्टिक से अटैक कर देता है और वहीं पे सेगमेंट ख़त्म हो जाती है। तो अभी भी मुझे तो कोई क्लियर आइडिया नहीं लगा है कि इसका मतलब क्या है, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है इससे तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलने वाला होता है एवर राइज का अगेंस्ट द ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स, लेकिन यहाँ पे इंपीरियम आके अटैक कर देती है एवर राइज को तो वो अपोनेंट्स बन जाते हैं यहाँ पे वेटरन्स के और वो बेसिकली यहाँ पे उनसे मैच लड़ते हैं। लेकिन ये मैच भी एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म होता है क्योंकि इसके दौरान एवर राइज के जो दो बंदे हैं वो बाहर आते हैं और वो बेसिकली यहां पे अटैक कर देते हैं। तो कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी यहां पे कि एवर राइज को फाइनली कुछ मोमेंटम देने की एटलीस्ट कोशिश तो करी गई, देखने को तो मिले कि आखिर इस टीम की कैपेबिलिटी क्या है। इसके बाद टिमोथी थैचर आते हैं अपने स्टूडेंट के साथ और वो एक और लेसन देना चाहते हैं और ये लेसन होने वाला है आज डिस्ट्रैक्शंस के बारे में जो रेसलिंग में हमें देखने को मिलती हैं। और रिंग में यहाँ पे टोमासो चांपा आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर और वो कहते हैं आज मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बनने वाला लेकिन मैं तुम्हें टीच करने आया हूँ यहाँ पे। और इससे जो है वो टिमोथी थैचर थोड़ा खुंदक में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर अचानक से वो टोमासो को यहाँ पे अटैक करते हैं और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो स्टूडेंट है टिमोथी थैचर का वो उनके साथ मिलके अटैक करता है टोमासो को और चांपा को वो पास आउट करवा देते हैं और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होती है। तो इन दोनों का भी मैच वॉर गेम्स में मुझे लगता है होने वाला है और एक अच्छा रेसलिंग मैच होगा इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। और फाइनली मेन इवेंट में लैडर मैच हमें देखने को मिलता है विमेंस का वॉर गेम्स एडवांटेज के लिए, शॉर्टजी ब्लैक हार्ट अगेंस्ट रकवेल गोंजालेस, ये भी एक अच्छा मैच था और इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई पोडियम पे खड़े होते हैं दोनों बंदे की जो टीम्स हैं तो वहां पे इंडी हार्टवेल इनको एक लैडर देती हैं और पूरी टीम नीचे आ जाती है, मतलब दोनों जो वॉर गेम्स वाली टीम्स हैं वो आपस में रिंग साइड पे ब्रॉल करती हैं। और क्योंकि हमें शॉर्टजी ब्लैक हार्ट की टीम का लास्ट मेंबर पता नहीं था अभी तक कौन है तो इयो शिराय आती हैं रिंग के अंदर और वो रकवेल गोंजालेस को रोकती हैं ब्रीफकेस निकालने से। तो यहां पे दो बातें क्लियर होती हैं कि एक तो शॉर्टजी ब्लैक हार्ट का फाइनल जो मेंबर है उनकी टीम का वो इयो शिराय है और दूसरी बात कि आज का ये जो मैच है वो शॉर्टजी ब्लैक हार्ट जीत चुके हैं गाइज और अपनी टीम के लिए उन्होंने जो है वो एडवांटेज ले लिया वॉर गेम्स के लिए। तो आज एक एवरेज शो था लेकिन बात ये चेंज नहीं होती कि वॉर गेम्स अभी भी एक कमाल का पेपर भी होगा और मैं खुश हूं इस बात से कि लाइव आने वाला है इंडिया के अंदर वॉर गेम्स, तो गाइज आप डेफिनेटली टीवी पे उसको देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ऐसे लाइक करें, सारी जो मैंने अपडेट्स थी उसके बारे में मुझे कमेंट्स में आपके अपने ओपिनियंस बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।